प्रेस्टीज से करेंगे शुरुआत। सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। टीटीके प्रेस्टीज एक जाना माना नाम हमारे देश का है। टीटीके ग्रुप की कंपनी ये है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। किचन होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी है। हर घर में आपको टीटीके प्रेस्टीज के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। प्रेशर कुकर, कुकवेयर, गैस स्टव जैसे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रू कलरोजी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर इटिना स्वदेश पर आपका। काफ़ी अच्छे आपके तिमाही नतीजे दिखाई दे रहे हैं। पिछली तिमाही में हमने देखा जो ग्रोथ है पैट में वो भी काफ़ी अच्छी है, करीब 70% ऊपर, और आय भी जो है वो करीब 50% से ज़्यादा बढ़त उसमें देखने को मिली है। कहाँ से ये ग्रोथ आई है, ये डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स ने ड्राइव की है आपके लिए इस बार? वैसे सबसे पहले तो डोमेस्टिक में ऑलमोस्ट 70% की ग्रोथ आई है टॉप लाइन में। एक्सपोर्ट में थोड़ी इतनी ग्रोथ नहीं आई थी क्योंकि आप जानते हैं कि सारे विकसित मार्केट्स जो हैं वो काफी रिसेशनरी ट्रेंड से गुजर रहे हैं। ओवरऑल हमारी ग्रोथ करीब 68% की रही। और डोमेस्टिक की बात करें तो सारे चैनल्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, बल्कि सारे ऑफलाइन चैनल्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, चाहे वो बड़े मॉडर्न फॉर्मेट के दुकानें हों या हमारे ही फ्रेंचाइज आउटलेट्स हों या फिर जो जनरल ट्रेड के आउटलेट्स हो। सबसे हमारी 80% से ज्यादा ग्रोथ आई है। अगर ग्रोथ कहीं कम आई है तो वो ऑनलाइन में आई है। हम जो देख रहे हैं कि ऑनलाइन में इस बारी पिछले एक क्वार्टर से पिछले साल के क्वार्टर वन के मुकाबले इस साल उतनी ग्रोथ नहीं आई है ऑनलाइन में। और ये मैं समझता हूँ नेचुरल भी है क्योंकि पिछले साल जो डेल्टा का वेव था उसमें लोगों को बाहर जाने का कोई मौका ही नहीं था, और इस बार जब सारे मार्केट्स खुले हैं तो उस बेस के हिसाब से ऑनलाइन में ग्रोथ नहीं आई है, वरना सेल तो अच्छी वहां पर भी है और बाकी सारे चैनल्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई। करेक्ट, ऑनलाइन की आपने बात की है यहाँ पर कलरोजी, उसी के बारे में मैं अगला सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। और वो ये कि जैसा आपने भी कहा पहले लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अब शायद लोग बाहर आना चाह रहे हैं, इसकी वजह से ऑफलाइन जो है आपका बिजनेस अच्छा पिकअप कर रहा है, लेकिन अब कितना फोकस आपका ऑनलाइन सेल्स पर है? क्या आप चाहते हैं कि ये ग्रोथ जो है पहले की तरह बरकरार रहे? किस तरह के स्टेप्स आपने लिए हैं उसके लिए? देखिए हम तो यहाँ कस्टमर की सेवा में बैठे हैं, तो जहां कस्टमर जाएंगे हम वहां रहना चाहेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि कोई भी चैनल को हम छोड़ ना दें, क्योंकि हम समझते हैं कि कस्टमर सब जगह जा सकता है, और इस वजह से हमारा कोई फोकस सिर्फ ऑनलाइन पे है या सिर्फ ऑफलाइन पे है ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा फोकस अपने सारे चैनल्स को बरकरार रखने में है। करेक्ट, इस बार जो रूरल डिमांड है वो किस तरह की दिख रही है आपको? मॉनसून जो है उसमें कुछ देरी जरूर हुई लेकिन वो उसके बाद काफी हद तक बेहतर हो गया था बाकी हिस्सों में हम देख रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ी चिंता इस समय बनी हुई है पूरी इकोनॉमी की बात करें वो है महंगाई, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है खासतौर पर रूरल इलाकों में। आपका काफी प्रोडक्ट वहां पर बिकता है, किस तरह की डिमांड सिचुएशन आपने रूरल मार्केट में देखी है इस बार? देखिए ये रूरल हो चाहे अर्बन हो, एक बात तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो महंगाई से काफी पीड़ित है, जो अपर मिडिल क्लास है उससे महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो देख रहे हैं कि जो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं या जो अपर एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स में कोई घटाई नहीं आई है, बल्कि अच्छी वृद्धि भी हुई है, और हमने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स उस दिशा में लॉन्च भी किए हैं पिछले 3 या 6 महीने में। जो रूरल की बात आप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मानसून अच्छा रहा है और महंगाई दर भी अभी घटने लगी है। जो फूड इन्फ्लेशन था वो जो इतना ऊपर गया था सब कुछ, वो अभी नीचे आना शुरू हो गया है, जो कि अच्छी बात है। मैं समझता हूँ जो सेकेंड हाफ होगा इस साल का वो अच्छा होगा, क्योंकि उस बारी मानसून, फसलें, सब सारा चीज इन प्लेस होगा और सब कुछ नॉर्मल होगा, ये हमारी उम्मीद है। चलिए ये अच्छी बात है कि अगला जो आने वाला समय है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। जो मार्जिन से हमने देखा है उसमें जो है एक्सपेंशन हुआ है आपकी, और इसमें एक बड़ी वजह ये भी रही है कि आपने कुछ शायद प्राइस हाइक लिए थे पहले, क्या यही सबसे बड़ी वजह है या कोई और भी कारण है? देखिए प्राइस हाइक हमने ली और हमने जो प्राइस हाइक ली वो लगभग पूरा इफेक्ट हुआ समझो सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर में, क्योंकि जो हमारे पास पुराना स्टॉक रहता है हम पुराने प्राइस पे ही बेचते हैं, तो रफली 5-7% का प्राइस इंक्रीज इफेक्टिवली आया है, जिस वजह से ग्रॉस मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो हमारा बेहतर हुआ है। अभी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो
घटने लगी है, जिसका पूरा इंपैक्ट फिर सेकेंड हाफ में आएगा, क्योंकि जो अभी हमारे हाथ में इन्वेंट्री है वो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है, तो सेकेंड क्वार्टर में इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मिलेगा और आगे जाके और भी मिलेगा, ये हमारी उम्मीद। आप आगे कुछ और प्राइस हाई करने वाले हैं, कुछ ऐसा प्लान? नहीं नहीं बिल्कुल जरूरत भी नहीं। चलिए अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आपका बिजनेस का एक हिस्सा एक्सपोर्ट की तरफ भी ओरिएंटेड है, वहां पर किस तरह कारोबार चल रहा है, किस तरह की डिमांड दिख रही है आपको, और कैसी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में आप? कि पहले जो हमारी ग्रोथ की उम्मीदें थी एक्सपोर्ट में वो कुछ घटी, क्योंकि जो हमारे विकसित मार्केट्स हैं जहां पे हमारे कस्टमर्स हैं वो कुछ प्रेशर देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे महंगाई दर वहां पे हमारे से भी बहुत ज्यादा है और वहां पे रिसेशनरी ट्रेंड्स और भी ज्यादा है, बल्कि हमारी इकोनॉमी तो उनके हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है, तो एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ग्रोथ तो आएगी, लेकिन उतनी ग्रोथ शायद नहीं आएगी जितनी हमें पहले उम्मीद थी। ओके, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद शायद एक्सपोर्ट साइड से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रू जी समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमसे ये चर्चा करने के लिए। टीटी के प्रेस्टीज के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कंपनी का कारोबार चल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ अच्छी है, ऑफलाइन बिजनेस काफी बढ़ रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं घर से, दुकानों में जा रहे हैं, वहां से खरीदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस का कुछ पर हिट जरूर हुआ है, लेकिन कंपनी फोकस कर रही है कि उसको बेहतर करे, और जो दबाव एक देखने को मिला है वो यहाँ पर जो कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस है उस पर जरूर है, लेकिन शायद वो भी आने वाले समय में बेहतर होता दिखाई दे। आपके सामने स्टॉक आज करीब 1% गिरावट के साथ 888 पर। चलिए फोकस करें।